हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है कीर्ति और कुक फेयर बाय कीर्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं चिजलिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बेहद ही टेस्टी लगती है और आपके परिवार को और आपके बच्चे को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसके बाद 1 कप ही आटा लिया है 1 चम्मच के करीब। इसमें मैंने बटर डाला है और 1 ये क्यूब मैंने ली है चीज़ की। ये प्रोसेस चीज़ है, मतलब यहाँ पे आपको मोजरीला चीज़ का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, प्रोसेस चीज़ ही ऐसे क्यूब वाला ही लेना है। इसके बाद ऐसे हमें किस के डाल देना है इसमें, और यहाँ पे मैं 1 पिंच खाने का सोडा यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा, इतना ही, 2 पिंच के करीब नमक ऐड कर लें। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नमक होता है तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। तो बस ऐसे हाथों से रब करते हुए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद से उसी कप में मैंने दूध लिया है, तो यहाँ पे 1 कप के करीब दूध लिया है, मतलब सेम ही मेजरमेंट है, 1 कप मैदा, 1 कप आटा और 1 कप दूध। तो बस ऐसे हमें आटे को लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के। दूध मैंने हल्का गर्म, मतलब गुनगुना लिया है, बहुत गर्म नहीं है ना तो एकदम ठंडा, गुनगुना दूध है। और इससे मैं आटा लगाऊंगी, तो एकदम हार्ड आटा नहीं लगाना है ना तो एकदम सॉफ्ट, जैसे हम चपाती या रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमें, मतलब सख्त आटा लेना है। और 1 चम्मच के करीब दूध बच गया है, तो इसको हम ढक के रख देंगे। और 10 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट करते हुए, तो एक बार फिर से हम मसल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा जो मैदा और आटा है एकदम अच्छे से चिकना हो जाए। इसके बाद से हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो 1 लोई हम ले लेंगे और 1 लोई को हम ऐसे ढक कर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। इसके बाद से हमें कोई ऐसे चकला लेना है बड़ा सा, या तो आप अपने जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ भी ऐसे इसको रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी रोटी बनानी है, बड़ी सी एक, तो इसलिए मैं ऐसे रोल कर रही हूँ। तो हमें एक अच्छी सी पतली सी, मतलब रोटी बनाना है, तो ऐसे बेलन की मदद से एकदम पतला, आप जितना पतला बेल सके उतना पतला बेलना है। अगर बेलने में कोई परेशानी आ रही तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। और एकदम बड़ी सी हमें रोटी बना के तैयार करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, तो बस मैंने ऐसे रोटी बना ली है। और बस हमें कुछ नहीं करना है, एक चाकू या ऐसे पिज्जा कटर लेना है, और जैसे हम कंप्यूटर में MS Excel के सेल देखे हैं, बस उसी तरह हमें छोटे छोटे से सेल बनाने हैं इसके। तो बस ऐसे स्प्रेडशीट जैसे हमें बना देना है, मतलब सेल बनाना है इसके, मतलब छोटे छोटे इसके ऐसे काट लेना है। तो ये चाकू से भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो उससे ऐसे कर लें। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्यूब में कट गए हैं। और बस ऐसे हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद से हम कढ़ाई में तेल लेंगे, और तेल हमें एकदम धुआंदार गर्म चाहिए यहाँ पे, ताकि हमने जो भी चीज़लिंग बनाई है एकदम अच्छे से फूल जाए। और बस जब मतलब तेल गर्म होना चाहिए जब हम डालें तो, और उसके बाद हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसको बस 5 मिनट पकाना है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़लिंग बन के तैयार हो गई है। तो मैं दोबारा भी ऐसे डाल दे रही हूँ, और बस 5 मिनट ही हमें पकाना है गैस का फ्लेम लो करके। पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर बस ऐसे बना लेना है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़लिंग बनाना कितना आसान है, और खाने में बेहद ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया मेरे जैसे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें और साथ में खाएं, आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएंगे। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़लिंग की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर आप एकदम जेन्युइन रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।